नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषी का द्वितीय भाग का 8वां पाठ है। सुवचनानी मतलब सुवचनानी का मतलब हुआ अच्छे वचन। आज हम लोग उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। आइए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। सर्पा पिबंती पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै तीर्णै वन गज बलिना भवंती। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। सर्पा पिबंती पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै तीर्णै वन गज बलिना भवंती। इसका अर्थ हुआ सर्पा पिबंती पवनम मतलब सांप पवन को पीते हैं, सांप हवा को पीते हैं। न च दुर्बलास्ते इसके बावजूद भी वो दुर्बल नहीं है, कमजोर नहीं है। सांप हवा को पीकर भी दुर्बल नहीं है। शुष्क तीर्ण, शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ, अतीर्ण मतलब घास। तो वन गजह मतलब जंगल का हाथी, जंगल का हाथी सूखा हुआ घास को खाकर भी बलवान होता है। फिर से एक बार दोनों का देख लेते हैं हम लोग। सांप हवा को पीकर भी कमजोर नहीं होता है, दुर्बल नहीं होता है। वन का हाथी, जंगल का हाथी सूखे हुए घास को खाकर भी बलवान होता है। पटका पाटका चैव व ये च अन्य शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनीन मूर्खा यह क्रियावान स पंडिता। पटका पाटकाश्चैव व ये च अन्य शास्त्र चिंतका। इसका मतलब हो गया पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और जो अन्य जो शास्त्र का चिंतन करने वाले, ये सभी मूर्ख हैं। व्यसनीनो मूर्खा, ये सभी जो पढ़ने और पढ़ाने के जो आदि हैं, ये लोग मूर्ख हैं। यह क्रियावान सह पंडित, जो इसको जो क्रियावान करता है, जो इसको अपने में उतारता है, वो पंडित है। मतलब सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने या शास्त्रों का चिंतन करने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं होता है। इसको जो क्रियाशील करता है, इसको जो अपने जीवन में उतारता है, वही पंडित है, वही विद्वान है। इसको एक बार फिर से हम लोग देखें। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और जो अन्य हैं, जो शास्त्र का चिंतन करने वाले लोग हैं, ये लोग सभी जो इसके आदि हैं, वे सभी मूर्ख हैं। इसको पढ़ने और पढ़ाने वाले या पढ़कर के जो समझने वाले जो हैं, जो अपने जीवन में इसको उतार लेते हैं, वो विद्वान हैं। सिर्फ पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले अर्थात पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और जो शास्त्रों का जो चिंतन करने वाले हैं, उनको यहां पर मूर्ख कहा गया है। और जो पढ़े और पढ़ाए या जो शास्त्र में जो दिया हुआ है, उसको अपने जीवन में जो उतारते हैं, वही विद्वान है, वही पंडित हैं। यदि संति गुणा पुंसाम विकसंति एव ते स्वयं न ही कस्तूरिका मोद सपथेन निवार्यते। हो गया, फिर से एक बार। यदि संति गुणा पुंसाम विकसंति एव ते स्वयं न ही कस्तूरिका मोद सपथेन निवार्यते। इसका मतलब है कि यदि आप में कोई गुण है, यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण है, तो विकसंति एव ते स्वयं वो अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है हमारे में ये गुण है। जैसे न ही कस्तूरिका मोद सपथेन निवार्यते, जैसे कस्तूरी जो है उसका जो गंध वो चारों तरफ फैल जाता है। उसको यदि कोई शपथ लेकर के भी कहे, कसम खा के भी कहे कि यह कस्तूरी नहीं है, तब भी उसे कोई मानेगा नहीं। अर्थात फिर से इसका, यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण है, तो उसको स्वयं से कहकर कहने का जरूरत नहीं है कि हमारे में वो गुण है। आपका गुण लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कस्तूरी को
का जो महक है कस्तूरी, वो अपने स्वयं नहीं कहता है कि हम कस्तूरी हैं, कस्तूरी का महक से ही लोग जान जाता है कि यह कस्तूरी है। न ही कस्तूरी का मोदा शपथेन निवार्यते। यदि कोई शपथ लेके भी कहे कि यह कस्तूरी नहीं है, तब भी लोग नहीं मानेगा। यदि आप में कोई गुण है तो आपको स्वयं कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके आपका गुण लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कस्तूरी का जो गंध है, कस्तूरी को ये नहीं बताना पड़ता है कि हम कस्तूरी हैं। यदि कोई आदमी शपथ लेके भी कहता है कि यह कस्तूरी नहीं है, तो भी कोई मानेगा नहीं। ठीक है, अगला है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रों से कलह करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। मित्रेण कलहम, कलह का मतलब होता है झगड़ा। मित्र से कोई झगड़ा करके न कदापि सुखी जनक, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। यह जानकर, इति ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का मतलब होता है जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, मतलब यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर कलह का कारण क्या है और उस कलह का जो कारण है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हो गया, मित्र से कलह करके, मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। कलह का कारण जानने का प्रयास करना चाहिए और जो झगड़ा है उसको हम लोग को छोड़ देना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहता है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मतलब कार्य पूरे होते हैं। न मनोरथ है, केवल मनोरथ करने से नहीं, केवल मन में इच्छा करने से कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। उसके लिए, कार्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को परिश्रम करना होता है। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है, ठीक है, यदि हिरण, यदि सिंह को शिकार करना हो तो वो क्या करेगा, वो परिश्रम करेगा। ऐसा नहीं है कि सोया हुआ सिंह है और उसके मुंह में अपने आप से हिरण चला जाएगा, हिरण या कोई भी जानवर अपने आप से नहीं जाएगा। उसी तरह से ये कहता है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ मन में इच्छा करने से नहीं। अगला है, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रियात ऐसा धर्म सनातना। कहता है सत्यम ब्रियात, मतलब कि सच बोलो, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रियात, प्रिय बोलना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। न ब्रियात सत्यम अप्रियम, और वैसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, कटु हो। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मतलब ऐसा वचन बोलिए जो कड़वा न हो। तो कैसा बोलना चाहिए, सत्य हो परंतु अप्रिय न हो। न प्रियात सत्यम अप्रियम, वैसा सत्य भी नहीं हो जो अप्रिय हो, मतलब वैसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, जो दूसरों को बुरा लगे वैसा सत्य भी, सच भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रियात ऐसा धर्म सनातन। कहता है कि प्रियम च नानृतम, माने वैसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो झूठ हो, जो असत्य हो, वैसा प्रिय नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कि सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, वैसा सत्य जो अप्रिय हो उसको नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, और वैसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो असत्य हो, जो झूठ हो, यही सनातन धर्म है। हम आशा करते हैं कि आपको ये छह जो श्लोक था हमारे सुवचनानी पाठ का, वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।